दोस्तों, हिरन की साइटिंग के बाद हमने सोचा थोड़ी चाय पी ली जाए। चलिए आइए, आपको हम चाय पिलाते हैं। दोस्तों, पिछली बार जब हम पहुंचे थे कॉर्बेट, तो वहां बहुत बुरा हाल था। बारिश इतनी हो रही थी कि बता नहीं सकते आपको। आप देख सकते हैं रोड का क्या हाल हो रहा था। तो काफ़ी मुश्किल ट्रिप थी वो, हम कुछ नहीं कर पाए थे। पूरे दिन हम जो थे वो रिजॉर्ट में रहे थे। तो थोड़ी बहुत वहाँ की यादें हैं, पिछली बार की क्या हुआ था वो हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जो आपको वाटरफॉल लग रहा है, ये वाटरफॉल नहीं, ये रोड है जो कि कट गई, और उसका बहाव देखिए कैसे नदी में जाके मिल रहा है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आपके साथ कॉर्बेट का ये एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करूँ। तो आगे आप देखिए वीडियो में, उन यादों को भी देखिए, मानसून में हमने क्या करा, रिजॉर्ट कैसा था। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं कॉर्बेट रिवर रिजॉर्ट, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैसा ये आम के पेड़ों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, हमने इस रिजॉर्ट में जंगल हट ली है, तो इसके अंदर ये हट है, आप देख सकते हैं कैसी हट है। तो अंदर से इन्होंने पीवीसी का काम कर रखा है, ताकि पानी, अगर क्योंकि यहाँ बारिश बहुत पड़ती है, तो पानी वगैरह अंदर ना आए। बाकी बहुत ही पुराने स्टाइल के यहाँ बेड हैं, तो डबल बेड प्लस हमें सिंगल बेड भी मिला है साथ में। ये बहुत ही पुराना रिजॉर्ट लग रहा है, फर्नीचर से, इन सब चीज़ों से। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा, क्योंकि मेक माई ट्रिप पे या क्लियर ट्रिप और वेबसाइट्स पे काफ़ी कॉस्टली है ये। तो दोस्तों, ओवरऑल एक्सपीरियंस कोई ख़ास नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पानी भी टपक रहा था। अगर ऊपर की छत देखेंगे तो उसमें काफ़ी होल्स थे। दोस्तों, हम आ गए हैं कॉर्बेट में, और यहाँ है ब्रेकफास्ट टाइम। तो हम आ चुके हैं विलेज वाटिका रिजॉर्ट में। आप मेरे सामने देख सकते हैं, काफी ही बेहतरीन एम्बियंस है इसका। आपको हम होटल अंदर से चेकआउट कराते हैं। चलिए आइए, अंदर चलते हैं और आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट कराते हैं। तो दोस्तों, हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, चलिए जल्दी से आपको इसका रिव्यू देते हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छी स्टफिंग कर रखी है इन्होंने पराठे में, मिक्स पराठा हमने लिया था, और खाने में लाजवाब है। एक हमने चीज़ पराठा बोला था, चीज़ पराठा नहीं, चीज़ ऑमलेट बोला था। इस पे चीज़ है ऊपर से स्प्रेडेड, अंदर से चीज़ है नहीं है, ये देख के बताते हैं आपको। काफ़ी चीज़ है, अंदर भी चीज़ है और ऊपर भी चीज़ उन्होंने ला लिया। ओवरऑल बहुत ही अच्छा एम्बियंस और बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। तो कभी भी आपको आना हो कॉर्बेट में, तो कॉर्बेट के अंदर जो वाटिका कैफ़े करके है, ये लीरो कॉर्बेट और ये जो रिजॉर्ट है कॉर्बेट रिवर साइड है, उसके जस्ट पास में ही बराबर में, तो यहाँ ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए, हम इंजॉय करते हैं, आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। क्या पानी बह रहा है, तो ये नदी जा रही है, देखिए आप, और देखिए नदी क्रॉस कर रही है रोड को, आप दिखाइए कैसी जबरदस्त ऑफ रोडिंग हो रही है।
और फिर देखिए आप। एनवायरमेंट लवर्स, ये था हमारा लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस, और इस बार हमने क्या करा ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखिए। तो एनवायरमेंट लवर्स, अपने एनवायरमेंट को रखिए क्लीन एंड ग्रीन, और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।